कर्नाटक के चुनावी समर में बजरंग बली की एंट्री हो गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात के बाद से ये मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया है और अब इस कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता और बजरंग दल के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैलियों में अपना फोकस हनुमान और बजरंग दल पर कर लिया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करती नजर आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कर्नाटक में सरकार आने पर 80 से ज्यादा हनुमान मंदिर बनवाएंगे। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब चुनाव में बजरंग बली की एंट्री हुई हो। दिल्ली यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हर चुनाव या उससे पहले हनुमान जी राजनीति का केंद्र बनते रहे हैं। 2020 में हुए दिल्ली चुनाव के दौरान बीजेपी ने आप नेता अरविंद केजरीवाल पर सेक्युलर हिंदू विरोधी होने के आरोप लगाए थे। इसके बाद से दिल्ली की राजनीति में हनुमान जी की एंट्री हो गई थी। अरविंद केजरीवाल की हनुमान मंदिर में पूजा करते हुए तस्वीरें जारी की गयी। सौरभ भारद्वाज समेत आपके दूसरे नेताओं ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया था। और यही नहीं, इस साल हुए दिल्ली नगर निगम चुनाव के दौरान बीजेपी के पार्षदों ने सदन में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में हनुमान जी की जाति को लेकर खूब बवाल मचा था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हनुमान जी को किसी ने दलित बताया था तो किसी ने वनवासी, किसी ने मुस्लिम बताया था तो किसी ने चाइनीज। वहीं पिछले साल महाराष्ट्र में भी बजरंग बली मुद्दा बने थे। लाउडस्पीकर विवाद के बीच मनसे के राज ठाकरे ने हनुमान चालीसा पाठ कराने की बात कही थी। लोकसभा सांसद नवनीत राणा ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया था। वो गिरफ्तार हुई लेकिन खुद को हनुमान भक्त साबित करने की होड़ कम ना हुई। अब कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली केंद्र में है। देखना है कि कांग्रेस या बीजेपी किसको इसका फायदा मिलेगा। चुनाव आज तक।